बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस फाइनेंस फ्रॉम द बुक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वेन हॉर्न, चैप्टर नंबर 3, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस चैप्टर का स्टडी किया था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो हर्नांडेज हैज इनहेरिटेड $25,000 एंड विशेस टू परचेज एन एनुटी दैट विल प्रोवाइड हिम विद अ स्टेडी इनकम ओवर नेक्स्ट 12 इयर्स। पहले यहां तक बात को समझ लेते हैं कि जोस हर्नांडेज जो है उसको इनहेरिटेंस में यानी कि विरासत में $25,000 मिले, ठीक है, एंड विशेस टू परचेज, और वह एक एनुटी परचेज करना चाहता है। एनुटी क्यों परचेज करना चाहता है? ताकि उसको अगले 12 सालों तक एक फिक्स इनकम जो है उससे मिलती रहे, ठीक है, स्टेडी इनकम ओवर द नेक्स्ट 12 इयर्स। अगले 12 सालों में उसको जो है एक खास इनकम जो है वो हर साल जो है वो मिलती रहे, ठीक है। 25,000 वो इन्वेस्ट करना चाहता है एनुटी में। ही हैज हर्ड दैट द लोकल सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशन इज करंटली पेइंग 6% कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एनुअल बेसिस। उससे पता लगा जी कि उसके नॉलेज में ये बात आई कि करंटली जो आपके जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो इदारे पे कर रहे हैं, ठीक है, वो 6% जो है वो पे कर रहे हैं। जो इदारे हैं, जो एसोसिएशन है, वो 6% इस टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। इफ ही वर टू डिपॉजिट हिज फंड, अगर वो अपने अपने फंड्स को डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है, व्हाट ईयर एंड इक्वल डॉलर अमाउंट टू द नियरेस्ट डॉलर। अगर वो अपनी फंड्स को डिपॉजिट करना चाहता है, ठीक है, ये करता है करे, व्हाट ईयर एंड इक्वल डॉलर। अब ईयर एंड इक्वल डॉलर अमाउंट आपके पास एक हिंट आ गया, ठीक है जी। यहां से आपको पता लग रहा है, एक तो आपको स्टार्टिंग की पहली लाइन से पता लग गया था कि ये एनुटी की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है उसमें केस ये है कि अब यहां से आपको ये पता लग गया है कि ये ईयर एंड की बात कर रहा है, ठीक है, ईयर एंड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये ड्यू की बात कर रहा है या ऑर्डिनरी की बात कर रहा है। यहाँ से आप जो है वो इसका अंदाजा लगाएंगे, ठीक है, कि ये ड्यू की बात हो रही है, ऑर्डिनरी की बात हो रही है। जारी बात है, आपको पता है कि ऑर्डिनरी कौन सी होती है, जहाँ पे हम जो पेमेंट्स या रिसीट्स होती हैं वो ईयर एंड पे होती हैं, यानी कि पीरियड एंड पे होती हैं, यू कैन। और ड्यू वाला केस कौन सा होता है, जिसमें आपके पास पेमेंट्स या रिसीट्स जो हो रही होती हैं आने वाले सालों में, वो ईयर के स्टार्टिंग में यानी कि पीरियड के स्टार्टिंग में होती है। अब यहाँ पे इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं बुक पे कि व्हाट ईयर एंड इक्वल डॉलर अमाउंट उसने पूछी है। इसका मतलब ये जो केस आपके पास एक तो एनुटी वाला है और दूसरी ऑर्डिनरी एनुटी वाला है। बात समझ आ गई, ऑर्डिनरी एनुटी वाला केस है। उसके बाद जो है पूछता है कि वुड बी व्हाट ईयर एंड इक्वल डॉलर अमाउंट वुड ही बी एबल टू विदड्रॉ एनुअली सच दैट द वुड ही वुड हैव अ जीरो बैलेंस आफ्टर His last withdrawal 12 years from now. बात आप समझ गए होंगे। कहता कि कितनी ईयर एंड जो डॉलर अमाउंट है वो विदड्रॉ करेगा, ठीक है, कि 12 सालों के बाद उसका कोई बैलेंस ना बचे। दोबारा से केस को रिवाइज करता, उसको विरासत में एक बंदा जिसको विरासत में $25,000 मिले, ठीक है, वो $25,000 किसी ऐसी एनुटी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है जहाँ से उसको आने वाले 12 सालों में एक खास इक्वल इनकम मिलती रहे। और वो खास इक्वल इनकम इतनी होनी चाहिए कि 12 सालों के बाद उसका कोई बैलेंस बाकी ना रहे, 12 सालों में उसकी सारे की सारी इनकम पूरी हो जाए, ठीक है। तो हमने वो खास इनकम जो उसको हर पीरियड के एंड पे मिलेगी ना, वो जो किस्त उसको मिलेगी $25,000 जमा करवा के, जो आने वाले 12 सालों में उसको 6% के ऊपर जो हर साल के एंड पे जो किस्त मिलेगी, वो किस्त हमने मालूम करनी है यहाँ पे, यानी कि हमने यहाँ पे जो मालूम करना है वो आर को, किस्त को मालूम करना। ये हमारा यहाँ पे केस है, ठीक है। तो आर को मालूम करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है, ठीक है, आप इसको जो है वो फार्मूले के जरिए से भी कर सकते हैं, आप इसको टेबुलर फार्मूला जो है उसके जरिए से भी, सिंपल फार्मूला भी आपके सामने है, ठीक है, और टेबुलर फार्मूला भी आपके सामने है, उस टेबल के जरिए से भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, जो तरीका आपको आसान लगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज अवेलेबल है, वो चीज अवेलेबल हमारे पास क्या है, हमें प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि जो 25,000 है आज तो उसके पास है ना, आज वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है इसको, ठीक है। तो आज याद रखें, जो आज आप इन्वेस्ट करते हैं या आज जो आप बोरो करते हैं उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अब 25,000 उसके पास आज है,
आज वो इस 25,000 को इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये 25,000 उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। और अब फ्यूचर में इसके जरिए से उसको जो है वो किस्त कितनी मिलेगी हर साल, उसको हमने यहाँ पे मालूम है, ठीक है। तो हमारे पास जो है प्रेजेंट वैल्यू है, एनओटी है, लेकिन हमने अब आर को फाइंड आउट करना है, तो एक्सेल शीट में इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं जो अवेलेबल डाटा हमारे पास है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, प्रेजेंट वैल्यू एनर्जी उसने हमें दे दी है, ठीक है, 25,000 है वो उसने हमें दे दी है। तो आर हमने फाइंड करना है, आर जो किस्त है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो हमें हर साल के एंड पे मिलेगी उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्मूला के जरिए से कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको जो है वो करना आ गया, टेबल के जरिए से भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह फैक्टर लगेगा हमारा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी का हमारे पास यहाँ पे फैक्टर लगेगा, और यहाँ पे इसको हम नीचे स्मॉल आएगा, आई मल्टीप्लाई एन, आई और एन आ जाएगा, ठीक है सर। आई से मुराद यहाँ पे इंटरेस्ट है, एन से मुराद नंबर ऑफ पीरियड्स है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, इसमें कॉमा दरमियान कॉमा लगाते तो ये आई जो है वो कैपिटल हो जाता है। अच्छा, ये आपके पास फॉर्मूला, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम देख भी लेते हैं, हमने फॉर्मूला कहाँ से लिया है, ठीक है। ये आपके पास चंद फॉर्मूलाज हैं जो हम डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। इस सिचुएशन में हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है वो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। एनओटीज में प्रेजेंट वैल्यू एनओडी का केस था ऑर्डिनरी का, तो हम ऑर्डिनरी वाले फॉर्मूला में गए और हमने टेबल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू एनओडी इज इक्वल टू आर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओडी, ठीक है। आप इस सारे की जगह ये सारा फॉर्मूला भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, इसके जरिए से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। हम टेबल के जरिए से इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने वहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई किया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू एनओटी जो है वो कितनी है, 25,000 है, ठीक है। आर हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी है, साथ में हमारे पास जो आई है वो आई कितना है आपके पास, 6% है, ठीक है, 6% आई है, और पीरियड्स हमारे पास 12 है। 6% जो है इसको स्मॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है, 6% इसको आप अपने पास लिख लें, 6% आपके पास इंटरेस्ट है आई है और एन आपके पास 12 पीरियड है। तो यहाँ से हमने इसका फैक्टर मालूम करना है, इंटरेस्ट फैक्टर। तो वो किस तरीके से हम मालूम करेंगे, इस तरह से आप जो है वो टेबल के जरिए से इंटरेस्ट फैक्टर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपकी बुक के पीछे एक टेबल अवेलेबल है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी, जो फैक्टर हमने अपने फॉर्मूला में पुट किया, ठीक है, उसी के टेबल पे जाना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनओटी वाले पेज पे जाएं आप, आपके बुक के पीछे ये अवेलेबल होंगे। और आपने अब करना क्या है, आपके पास आपने 6% पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और 12 पीरियड्स तक इन्वेस्ट किया, यानी कि 12 पीरियड्स तक आपको एक रिसीट आती रहेगी, ठीक है। तो पीरियड्स आपके 12 हैं और परसेंटेज जिस पे आपने इन्वेस्ट किया वो 6%, ठीक है। ये सिंपल एनुअल का केस है, इसमें क्वार्टर और सेमी एनुअल की उसने कोई बात नहीं की, लिहाजा ना तो हम इंटरेस्ट को छेड़ेंगे यहाँ पे और ना ही पीरियड्स को चेंज करेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे सेमी एनुअल क्वार्टर की बात नहीं, ठीक है। तो 6% के नीचे देखते जाएं और इधर से 12 जो पीरियड है उसको देखते जाएं, यहाँ से 12 आता जाएगा और यहाँ पे आपने 6 को देखना है। तो जो फैक्टर आपका इंटरसेक्ट, जो लाइन जब दोनों मिलेंगी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वही आपका वो इंटरेस्ट फैक्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास 8.34 आ रहा है, ठीक है, अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ये 6%, ठीक है, यहाँ से देखूँ तो ये मेरे पास 12 पीरियड आ रहा है, 8.384 मेरे पास इंटरेस्ट फैक्टर है। इस इंटरेस्ट फैक्टर को हम वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ठीक है, 6% और 12 पीरियड के हवाले से 8.384, यहाँ मैं पुट कर दूंगा 8.384, ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट फैक्टर है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी में है, मैंने 6% और 12 पीरियड के हिसाब से इसको देखा है। अब आर मैंने मालूम कर लिया, ठीक है, इक्वेशन में आपके पास दो चीज़ें गिवन है, एक चीज़ अननोन है, तो मेरा नहीं ख्याल आपके लिए इसको फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। 25,000 ये वैल्यू वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी
5.384 और इक्वल टू आ जाएगा आपके पास आर, ठीक है जी। तो हम इसको निकाल सकते हैं, आर को हम इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप फाइंड आउट कर लें, 25,000 को अगर हम 8.384 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये वो किस्त आ गई है, यानी कि 2,982 जो है डॉलर आपको 12 साल तक मिलते रहेंगे, ठीक है। अब आप यूं वैसे क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बताने लगा हूँ कि 12 साल तक अगर हमें 2,982 मिलता है, ठीक है, तो इसको जरा अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कितनी अमाउंट बन जाती है, ठीक है। अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये हमें जो 12 साल तक कितनी अमाउंट मिलती रहेगी, ये कितनी बन जाती है टोटल, ठीक है, तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 35,782 बनता है, यानी कि 35,782। तो ये मेरे ख्याल में डील अच्छी है कि आज अगर हम 25,000 जमा करवाते हैं और अगले 12 सालों में अगर हमें वो स्टडी इनकम मिलती रहे और वो हमें जो 12 सालों में मिले वो 35,000 समथिंग हो, तो मेरे ख्याल में आपको कितना इजाफा मिला है, तकरीबन 10,782 का इजाफा मिला है, वो आपका इंटरेस्ट है जो कि आपने इन्वेस्ट किए रखा है। तो 25,000 के मुकाबले में आपको जो है वो 35,000 कुछ मिल गया किस्तों की शक्ल, ठीक है। इसी तरह से यही केस हमारा लोन का भी होता है, अगर इसी तरह हमने इसको इन्वेस्ट करने की बजाय इसको हमने लोन लिया होता तो आगे आने वाले पीरियड्स में हमें फिर इससे कुछ ज़्यादा जो है वापस करना पड़ना था, पेमेंट्स से कुछ ज़्यादा करनी पड़नी। जिस तरह से हमने अभी इन्वेस्ट किया 25,000, हमें जो 12 सालों में जो किस्तें मिली हैं उनका टोटल हमने लगाया तो वो 35,000 पे 25 के मुकाबले में हमें 35,782 मिल गया, ठीक है। जब हमें इन्वेस्ट करने पर ज़्यादा मिलता है, इसी तरह जब हम लोन लेते हैं तो फिर हमें इंटरेस्ट की मद में पे भी ज़्यादा करना पड़ता है अगर हम किस्तों की शक्ल में कर रहे हैं, इन एनुटी की शक्ल में कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।